नमस्कार दोस्तों, आज जो है वो हम लोग महार समाज के इतिहास को देखेंगे। देखिए, महार समाज के इतिहास एक प्राचीन इतिहास है, इसमें कोई संदेह है करने वाली बात नहीं है, प्राचीन इतिहास है। खासकर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कह देना चाहता हूँ कि कुछ कमेंट आते हैं नगपुरिया इतिहासकार कहकर कुछ लोग ऐसे मुहिम चला रखे हैं, तो उन सभी लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब देखो, नागपुर बहुत ही एक स्वाभिमानिक जगह है, तो नागपुर से होना कोई जो है शर्म की बात तो है नहीं। मैं मानता हूँ मैं पूरे भारत से हूँ, पूरा भारत ही हमारा घर है, तो मुझे नागपुर की कहो या मुंबई की कहो या सोलापुर का कहो या पटना का कहो या हैदराबाद का कहो या झांसी का कहो, कहीं का भी कह सकते हो, ठीक है, कहीं का भी कोई दिक्कत नहीं। और नागपुर में जो है, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि जब समाज में आतंक और जो है वो उग्र प्रवृत्ति जागृत होता है एक खास समुदाय में, तब तब बाला साहब ठाकरे का जो है वो अवतार भी होता है उस चीज़ को टैकल करने के लिए। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, मेरा योगदान इसमें नहीं है, ये एक प्राकृतिक तौर पर ऐसा चलता ही है। यदि आप देखें प्राचीन इतिहास से आज तक, महाराणा प्रताप, बड़े बड़े जो है वीर शख्सियत, जिसके कहा जाता है सर धड़ से अलग, तो सर धड़ से अलग होने के बाद भी हाथ में तलवार जो था वो चलता रहता था। ऐसे माहौल जो है वो सही माहौल नहीं होता है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए। हम देश एकता यूनिटी की बात करते हैं और सभी जाति जो सनातन परंपरा को हम मानते हैं, ये कोर परंपरा है, जो अधिकांश पॉपुलेशन है धर्म के मानने वाले हैं वो सनातन धर्म ही है, जो हिंदू सनातन धर्म है, बहुत ही महान धर्म है। कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव मध्यकालीन भारत में साजिश के फलस्वरूप जो है उत्पत्ति किया गया। महार समाज के इतिहास पढ़ाएंगे, आज बताएंगे और आप लोग समझ जाइए। दोस्तों, महार समाज प्राचीन काल में एक कबीले के सरदार हुआ करते थे। वैदिक परंपरा जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो वैदिक इतिहास में ये मिलता है कि जो है वो कबीला होता था, कबीले बनाकर लोग जो है रहते थे, तो कबीला होता था और उस कबीले का एक सरदार होता था और अमूमन जो है कुछ सिपाही भी होते थे। तो जो सिपाही होते थे और कुछ ऐसे मतलब ताकतवर लोग जो होते थे वो कबीले से बाहर रहा करते थे और वो अपने कबीले के प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरीके से 110% 24/7 जो है वो लगे रहते थे। महार समाज के लोग वही हैं। अनेक जो है, यदि सगोत्रीय जाति का समूह माना जाता है आज इन्हें, और देखा भी गया है इनमें, और ये खासकर महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र के अगल बगल के क्षेत्र में जितने भी आते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे महार समाज के लोग। व्यवसाय क्या है, मन में आता होगा प्रश्न। देखिए, प्राचीन काल में और मध्यकालीन भारत तक भी लगभग महार समाज के लोग जो हैं वो गांव से बाहर अपना एक उनका कबीला होता था और गांव बस गया था, क्योंकि प्राचीन काल में जो है वो तो कबीले से बाहर रहा करते थे, बाद में चलते हुए जो है इनका एक गांव बस गया और गांव का निर्माण हुआ और जो है अपने समुदाय के साथ कबीले गांव से बाहर रहते थे। इनका काम क्या होता था, जमीन विवाद को निपटाना, आपसी विवाद मतभेद को निपटाना, ये सब देखिए, ये सब कहीं ना कहीं ऐसे चीज है जो ये प्रूव करता है मेरे पहले बात का कि ये कबीले के सरदार भी होते थे। ये सब जो है निपटाते थे आपसी मामले, जो जमीन विवाद था, जमीन के नाप जोक करवाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान होता था। ये पारंपरिक रूप से जो है ग्राम से बाहर रहा करते थे, दीवारों की मरम्मत करने में इनकी तजुर्बाकारी था, राज मिस्त्री वाला। तो हुआ क्या कि 20वीं शताब्दी के बाद जो है बड़ी संख्या में महार जाति के लोग जो है मुंबई, पुणे, नासिक, सोलापुर इन सब क्षेत्रों में चले गए, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रगति बहुत ही ऊंचाई पे छूने लगा और बहुत ही लंबे लंबे मकान बनने लगे, ऊंचे ऊंचे मंजिलें बनने लगे, इन सब कार्यों में लग गए महार समाज के लोग, उधर चले गए। फिर क्या हुआ कि इन्हें धर्मांतरण का एक मामला आया कि इन्हें जो है एक बड़ी पैमाने पर आज भी चलता है वो धर्मांतरण, और ये धर्मांतरण जो है वो कुकृत्य है,
क्योंकि जब उनके जो जिसे आप आज ये समझा रहे हो, मैं कहता हूँ धर्मांतरण अच्छी बात है, लेकिन धर्मांतरण करने के लिए एक प्रॉपर जो है वो आप उस लेवल में होनी चाहिए। जब आप धर्मांतरण करो, आप पूरी आपको धर्म की ज्ञान होनी चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, फिर आप धर्मांतरण करते हो तो सही है। लेकिन बिना जानकारी का किसी के ऊपर जो है लालचन लगा देना तो ये तो गलत बात है। तो इस तरीके का धर्मांतरण हुआ। अम्बेडकर संगठन जो था 20वीं शताब्दी के आप देखेंगे तो 20वीं सदी के जो है एक चोटी के नेता बने अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो है, भीमराव रामजी अम्बेडकर ने इन्हें संगठित कर उन्हें जो है उग्र राजनीति में जो है एक जागृति पैदा किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे लोगों को लगाया। तो ये भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि। 1956 में जो है अपनी मृत्यु के पहले जो है अम्बेडकर ने अपने लाखों महार अनुयायियों को जो है सहित हिंदुओं से जो है जातिगत भेदभाव के विरोध स्वरूप बुद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये लोग जो हैं वो बुद्ध समाज में चले गए। प्राचीन काल में ये हिंदू सनातन समाज के ही अंग हैं और अभी भी बहुत सारे अंबेडकर के कहने के बावजूद भी जो हैं वो नहीं गए, जैसे कि चमार जाति जो हैं वो सनातन समुदाय के अंग आज भी बने हुए हैं, क्योंकि उनमें शिक्षा भी था, उनमें अधिकांश लोग उस समय में पढ़े लिखे शिक्षित भी थे, वो समझ गए ये बात कि मध्यकालीन भारत में जो है आक्रांता आया और हम लोगों के साथ इतना भेदभाव किया, एक जो है राजपूतों को और जो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को चमार घोषित करवा दिया और फिर हम लोगों को आज हम कैसे चले जाएं, तो वो नहीं गए, बुद्ध धर्म को नहीं अपनाया, वो उसी चमार जाति के लोग आज भी सनातन धर्म के एक प्राउड जो है प्राउड जाति माने जाते हैं, जिनका इतिहास सामने है, सबको मालूम है, तो उनको आज आदर और स्वाभिमान भी मिलता है। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय जय भारत।